गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये देखिए मैं अचार डाल रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे इतना थोड़ा सा अचार, ये मैं इसलिए डाल रही हूँ कि कल मेरा बेटा मार्केट गया था तो मैंने चटनी के लिए आमी मंगाई थी, वो ज़्यादा ले आया तो मैंने सोचा अगर इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी तो ये पक जाएगी। तो मैं थोड़ा सा ये जो आम मेरे पास 5-6 आम थे तो मैंने इसका अचार बना रही हूँ। अचार बनाने के लिए आप सभी जानते होंगे नमक हल्दी मिला के पहले मुझे रखना होगा, इसका जब पानी निकल जाएगा तो फिर मैं इसमें मसाला मिला के अचार डालूंगी। ये मैंने बचा लिया है एक आम, इसकी मैं बनाऊंगी चटनी। छोटा सा पपीता ये मेरे हस्बैंड ने लगाया है और देखिए मैंने कहला पे लगाया मेरा वाला ये है। ये देखिए छोटा सा हो रहा है मेरा पपीता। हम दोनों जब भी कोई चीज़ लगाते हैं दो लगाते हैं, कंपटीशन होता है हम दोनों में। ये देखिए इनका इतना प्यारा हो रहा है। ये थोड़ा सा पुदीना लगा है, मैं इसकी थोड़ी सी चटनी बनाऊँगी। तोड़ लेती हूँ फटाफट। ये देखिए कड़ी पत्ता, मैंने कड़ी पत्ते का पेड़ लगाया है। ये बहुत छोटा सा था तब मैंने लगाया था। ये देखिए और इसमें देखो एक चिड़िया कबूतर है, पता नहीं क्या है, कबूतर है चिड़िया है क्या है, इसमें घोंसला भी बना रहा है। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए आज मैंने इसकी कुछ थोड़ी सी डंडी छांट दी है लेकिन बच गया इसका। मैंने ये देख लिया था कि ये घोंसला बना रहा है तो मैंने इसको फिर छोड़ दिया है और अब मैं इसका ध्यान रखूँगी। ये देखिए इसमें शायद बच्चे भी हैं, मैं छूँगी नहीं अभी क्योंकि पाप लगेगा, सावन का महीना चालू हो गया है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने कड़ी पत्ते के पेड़ के ऊपर घोंसला रखा है। ये देखिए ये देखिए मैंने दूध को फाड़ लिया है, मतलब मैंने इसका ये पनीर निकाल लिया और अब मैं इसको छना लूँगी कपड़े में और फिर मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट में पनीर का पराठा। ये देखिए पनीर में मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, लाल मिर्च पाउडर है, चाट मसाला है और जीरा पाउडर है और कच्ची प्याज को मैंने बारीक बारीक काट के वो भी डाल दिए, नमक डाल दिया और अब चलिए शुरू करते हैं पराठा बनाना। I tried every possibility to know if I